वे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज़ मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमार की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल और अंदाज़ मुतारफ़ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिलपजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तजाज इस कदर दिलफरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों के कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इकदाम भी काबिल तारीफ हैं। उस मौके पर शायकीन ना सिर्फ महफूज हुए बल्कि सारे इवेंट फोटोग्राफी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को ना सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइज, फैशन एक सेहतमंद रुझान है अगर बालिगुल नज़री से उसे अपनाया जाए। फैशन वही बेहतर है जो ज़ाहरी शख्सियत को अगर नुमाया करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटपिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहजीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान व यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है और उस मरला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं। उस साल में मलबूसात की तैयारी के लिए रिवायती और हाथ से बने हुए सिल्क और टिशू फैब्रिक और जरी गोटे और जरी के खूबसूरत और नफीस काम की वैरायटी मुतारफ़ करवाई। उस पर मॉडल्स के खूबसूरत मेकअप हैं, स्टाइलिंग और नफीस कुंदन ज्वेलरी भी मलबूसात की तरह निराली और मुनफरद दिखाई दी। उनके तैयार करदा मलबूसात हर दुल्हन का ख्वाब बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। डिज़ाइन तैयार करते वक्त बाज़ औक़ात एक ही चीज़ या रंग से इंस्पायरेशन मिल जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रंगों और डिज़ाइन से मिलकर ही जोड़ा तैयार हो जाता है। अब ये एक तहकीक कार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया पब्लिक को पसंद आ जाए तो फिर वो फैशन बन जाता है। जहाँ तक आइडियाज़ की बात है तो ज़िंदगी में ख्वाह कोई भी शौक़ हो, पढ़ना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, आर्ट्स, मैथ, गर्ज, हर चीज़ ने आइडिया है। अब ये एक तहकीक कार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया है तो फैशन बन जाता है। ऑलिव ग्रीन, आइस ग्रीन और पैच कलर इन हैं। अब चूँकि मौसम भी करवट ले रहा है उस लिए ज़्यादातर कूल कलर्स का हिस्सा हैं। मेरे तैयार करदा डिज़ाइनर मुनफरद होते हैं। गाइज, फैशन को गिरगिट से भी तशबीह दी जाती है जो वक्त के साथ रंग बदलता है। कभी पैरों तक लंबी कमीज़ें फैशन में होती हैं तो कभी छोटी कमीज़, कभी चूड़ीदार पजामा तो कभी पटियाला शलवारें फैशन में होती हैं, कभी चौड़े पैंचों वाले फ्लेपर तो कभी सिगरेट पैंट्स गर्ल्स। फैशन तो मौसम से भी ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होता है। फैशन ट्रेंड क्या होंगे? अरूसी प्रेट, लग्जरी प्रेप, कैजुअल और मौसमी कलेक्शंस में कौन कौन से रंग और स्टाइल इन रहेंगे,
किस किस्म का फैब्रिक ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ये सब जानने के लिए हमने मुल्क के नामवर फैशन डिज़ाइनर आरम खान से खसूसी गुफ्तगू की। ट्रेंडी लिबास, नफीस एम्ब्रॉयडरी और एस्टेब्लिशमेंट की नई नई तकनीकें पसंद की जाती हैं। क्लाइंट्स की कुव्वत खरीद को भी मद्देनज़र रखकर लिबास डिज़ाइन किए जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे मलबूसात अपने गाइज के सामने पेश करूं जो हकीकी ज़िंदगी में मखसूस मौके के अलावा भी पहने जा सकें। ज़ाती तौर पर मुझे हल्के फुल्के फैब्रिक वाले कपड़े पसंद हैं जिन पर कम से कम एस्टेब्लिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी की गई हो। एम्ब्रॉयडरी हर दौर में मकबूल ट्रेंड साबित होता है, किसी दौर में हाथ की कढ़ाई तो किसी दौर में मशीनी, यानी उसकी मजमूई शक्ल तो वही रहती है लेकिन जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए उसमें कमी बेशी कर ली है। बाहर के ममालिक में अगर मलबूसात की मांग है तो उसकी एक वजह यहाँ एम्ब्रॉयडरी है। दीदा जेद एम्ब्रॉयडरी आम मलबूसात की अलावा शादी ब्याह के मलबूसात पर भी खूबसूरत लगती है। रूसी मलबूसात में सुर्ख और गुलाबी की के कई शेड्स दस्तियाब हैं। गुलाबी के शेड्स में प्याजी, आतशी गुलाबी और बेबी पिंक पसंद किए जाते हैं। आइवरी रेड कलर कम्बिनेशन लाइट शेड्स और वाइट में भी फैशन में इन हैं। ने दुनिया भर के दर्जनों नामवर डिज़ाइनर्स और ब्रांड ने हिस्सा लिया। 5 रोज तक जारी रहने वाले उस फैशन वीक में मौसम खिजां और मौसम सरमा की मुनासबत से डिज़ाइन ने अपनी कलेक्शन पेश किए। उन मलबूसात में जहां एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया, वहीं रंगों के इंतखाब में भी ख्वातीन की पसंद को मद्देनज़र रख कर कलेक्शन तैयार की गई। यूं फैशन की बहारें और मॉडल्स के जलवे अरूज पर रहे। बरतानवी डिज़ाइनर गैर्थ पग और बर्बरी ने अपने मलबूसात पेश किए। गैर्थ पग के मलबूसात में शो रंग नुमाया रहे, चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए। दूसरी जानब बर्बरी ने रैम पर कोसे किजां के रंग बखेर दिए। उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए। हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा। मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज भी दिल मोह लेने वाला था। मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया बल्कि गेगी और एलास्का चंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज़ मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल व अंदाज मुतारफ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिल पजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तजाज इस कदर दिल फरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों की कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इकदाम भी काबिल तारीफ हैं। उस मौके पर शायकीन ना सिर्फ महफूज हुए बल्कि सारे इवेंट फोटोग्राफी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को ना सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइज, फैशन एक सेहतमंद रुझान है अगर बालिगुल नज़री से उसे अपनाया जाए। फैशन वही बेहतर है जो ज़ाहरी शख्सियत को अगर नुमाया करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउट पिटांग
तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहजीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान व यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है और उस मरला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं। उस साल में मलबूसात की तैयारी के लिए रिवायती और हाथ से बने हुए सिल्क और टिशू फैब्रिक और जरी गोटे और जरी के खूबसूरत और नफीस काम की वैरायटी मुतारफ करवाई। उस पर मॉडल्स के खूबसूरत मेकअप हैं, स्टाइलिंग और नफीस कुंदन ज्वेलरी भी मलबूसात की तरह निराली और मुनफरद दिखाई दी। उनके तैयार करदा मलबूसात हर दुल्हन का ख्वाब बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। डिज़ाइन तैयार करते वक्त बाज़ औक़ात एक ही चीज़ या रंग से इंस्पायरेशन मिल जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रंगों और डिज़ाइन से मिलकर ही जोड़ा तैयार हो जाता है। अब ये एक तहकीक कार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया पब्लिक को पसंद आ जाए तो फिर वो फैशन बन जाता है। जहाँ तक आइडियाज़ की बात है तो ज़िंदगी में ख्वाह कोई भी शौक़ हो, पढ़ना लिखना म्यूज़िक सुनना आर्ट्स मैथ गर्ज हर चीज़ में आइडिया है। अब ये एक तहकीक कार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया है तो फैशन बन जाता है। ऑलिव ग्रीन, आइस ग्रीन और पैच कलर इन हैं। अब चूँकि मौसम भी करवट ले रहा है उस लिए ज़्यादातर कूल कलर्स का हिस्सा हैं। मेरे तैयार करदा डिज़ाइनर मुनफरद होते हैं। गाइस, फैशन को गिरगिट से भी तशबीह दी जाती है जो वक्त के साथ रंग बदलता है। कभी पैरों तक लंबी कमीज़ें फैशन में होती हैं तो कभी छोटी कमीज़, कभी चूड़ीदार पजामा तो कभी पटियाला शलवारें फैशन में होती हैं, कभी चौड़े पैंचों वाले फ्लेपर तो कभी सिगरेट पैंट्स गर्ल्स। फैशन तो मौसम से भी ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होता है। फैशन ट्रेंड क्या होंगे? रूसी प्रेट लग्जरी प्रेप कैजुअल और मौसमी कलेक्शंस में कौन कौन से रंग और स्टाइल इन रहेंगे, किस किस्म का फैब्रिक ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ये सब जानने के लिए हमने मुल्क के नामवर फैशन डिज़ाइनर आरम खान से खसूसी गुफ्तगू की। ट्रेंडी लिबास, नफीस एम्ब्रॉयडरी और एस्टेब्लिशमेंट की नई नई तकनीकें पसंद की जाती हैं। क्लाइंट्स की कुवत खरीद को भी मद्देनज़र रखकर लिबास डिज़ाइन किए जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे मलबूसात अपनी गाइज के सामने पेश करूं जो हकीकी ज़िंदगी में मखसूस मौके के अलावा भी पहने जा सकें। ज़ाती तौर पर मुझे हल्के फुल्के फैब्रिक वाले कपड़े पसंद हैं जिन पर कम से कम एस्टेब्लिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी की गई हो। एम्ब्रॉयडरी हर दौर में मकबूल ट्रेंड साबित होता है, किसी दौर में हाथ की कढ़ाई तो किसी दौर में मशीनी, यानी उसकी मजमूई शक्ल तो वही रहती है लेकिन जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए उसमें कमी बेशी कर ली है। बाहर के ममालिक में अगर मलबूसात की मांग है तो उसकी एक वजह यहाँ एम्ब्रॉयडरी है। दीदा जेद एम्ब्रॉयडरी आम मलबूसात की अलावा शादी ब्याह के मलबूसात पर भी खूबसूरत लगती है। रूसी मलबूसात में सुर्ख और गुलाबी के कई शेड्स दस्तियाब हैं। गुलाबी के शेड्स में प्याजी, आतशी गुलाबी और बेबी पिंक पसंद किए जाते हैं। आइवरी रेड कलर कम्बिनेशन लाइट शेड्स और वाइट में भी फैशन में इन हैं।